हेलो दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे मेडिकल नेक्सस के बारे में। देखिए, मैं बहुत सारी वीडियो जो है वो फेसबुक पे देख रहा हूँ, वो जिंदू ने ये कर दिया, जिंदू ने वो कर दिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या मैं शोर मचा रहे हैं। मतलब कि इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है फेसबुक पे कि सस्ती दवाई, महंगी दवाई, जेनरिक दवाई, एथिकल दवाई, ये दवाई, वो दवाई। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूं कि ये जो नेक्सस है स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, एक बुक है जिसका नाम है वर्ल्ड विदाउट कैंसर। ये देखिए, ये नाम है उसका, वर्ल्ड विदाउट कैंसर। ये छपी थी 1974 में और इसका जो इसके राइटर है वो है एडवर्ड ग्रिफिन। ये बुक जो है ये यूएसए में पब्लिश हुई थी और जब ये पब्लिश हुई तो थोड़े दिनों बाद इसको बैन किया गया। इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं, पहले 4-5 चैप्टर्स हैं, उसमें उसने ये बताया कि ये कौन लोग हैं जो ये नेक्सस चलाते हैं या इसके जन्मदाता कौन है। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जब अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मेरी जो वीडियो है वो YouTube डिलीट मार देगा उसको, क्योंकि ये सच्चाई जो है अगर आपने जाननी है तो आप ऐसा करिए, आप गूगल पे जाइए और इस बुक को डाउनलोड कर ले। इस बुक को डाउनलोड कर ले कि मैंने नाम बता दिया आपको, वर्ल्ड विदाउट कैंसर बाय डॉक्टर एडविन ग्रिफिन। ये डॉक्टर नहीं है शायद, वैसे जर्नलिस्ट होगा तो आगे डॉक्टर लगा हुआ, मैं बता रहा हूं एडविन ग्रिफिन नाम है इसका। तो ये बुक जो है आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ लें तो आपको सारी जो है चीज सामने आपके आ जाएगी। अब डिस्कस करते हैं कि ये नेक्सस है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। देखिए, इसमें सब बंदे इन्वॉल्व है, मैं भी, आप भी, डॉक्टर भी, सारे बंदे। देखो, आप इस डायग्राम को देखो, आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम है। सबसे पहले कौन लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे नंबर पे कौन डॉक्टर, तीसरे नंबर पे कौन स्कैनिंग सेंटर, चौथे नंबर पे कौन लैब, पांचवे नंबर पे केमिस्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है फियर फैक्टर जो रोल प्ले करता है इसमें। तो देखिए, डॉक्टर इसमें, डॉक्टर के पास डिग्री है, डॉक्टर ने पैसा दिया है, डॉक्टर ने डिग्री ली है, डॉक्टर ने मेहनत की है, तो इसमें जो मेन जो सेंटर है वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर का रोल होता क्या है, वैसे आप जाने कि डॉक्टर का रोल होता यह है कि वो पेशेंट को सही गाइड करे, वो पेशेंट को सच्चाई बताए। अगर उसके पास ट्रीटमेंट नहीं है तो वो ये भी बताए कि भाई इस चीज का ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है, जो मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को कोई भी अमल में नहीं लाता। डॉक्टर ये नहीं बताता कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, आप कोई और डॉक्टर देखो या कोई और पैथी ट्राई करो। सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही पे है। तो डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर जैसे ही पास करता है, यहां अभी पास ही नहीं करता, तो कंपनी क्या करती है, जो प्राइवेट कंपनी है जो ड्रग बनाती है वो उसको हायर कर लेती है। वो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में ही डॉक्टर के पास जाकर उसको हायर कर लेती है कि भाई तूने हमारी मेडिसिन सेल करवानी है, हम तुम्हें कट देंगे, हम तुम्हें कमीशन देंगे मोटा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको बाहर, जैसे ही आप डॉक्टर बन के बाहर आओगे, आपको हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, यही ब्रांड प्रिस्क्राइब करना है, तो हम आपको कट भी देंगे, आपको बाहर की सैर भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको गाड़ी बंगला सब प्रोवाइड करके देंगे। तो यहां से चलती है पिक्चर सारी। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक हमारे जो लोग हैं, कि लोगों का कसूर कहां पे है, लोगों का कसूर ये है कि हमारे लोग इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो जो है, जो कम पढ़े हैं उनसे भी मूर्ख हैं। मैंने देखा ये प्रैक्टिस में, मैं 40 ईयर्स हो गए मेरे को एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिस करते करते, तो मैंने ये बात देखी है कि जो लोग पढ़े लिखे, आपको समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, वो लोग अनपढ़ों से ज्यादा खतरनाक हैं। वो मैं कहता हूं कैसे कि देखो, एक डॉक्टर जिसने डिग्री ले ली और लोन लेके उसने एक 50 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर ली, फिर उसने क्या किया, उसने स्टाफ हायर कर लिया, हॉस्पिटल चला लिया, लैब भी खोल ली, केमिस्ट भी एक रख लिया अपने पास, तो वो क्या करेगा, केमिस्ट से भी पैसे मांगेगा, लैब वालों से भी पैसे मांगेगा, अपने स्टाफ को सैलरी कम देगा और पेशेंट को डरा डरा के उनके टेस्ट करवाएगा और वो ब्रांड लिख के देगा जो ब्रांड वहां अवेलेबल है,
तो क्या करेगा वो चारों तरफ से, कि डॉक्टर ये समझता है कि मेरा ये हक है, ये मेरा राइट है, ये मेरे पास डिग्री है, तो मैं जितना भी कमीशन चाहूं मैं ले सकता हूं। तो वो कमीशन कहां कहां से देखिए कि वो स्कैनिंग सेंटर से कमीशन चाहेगा, वो लैब से कमीशन चाहेगा, वो केमिस्ट से कमीशन चाहेगा, वो कंपनी से भी कमीशन चाहेगा, और वो डॉक्टर और पेशेंट को डरा डरा के उनको ये सारे काम करवाएगा उनसे। अच्छा अब आप मेरे को ये समझाओ, एक बात मेरे को बताओ आप कि ये नेक्सस जो है इसमें अकेले केमिस्ट जिम्मेदार है? नहीं, इसमें ये सारा जो कुनबा है, डॉक्टर, स्कैनिंग सेंटर, लैब्स, केमिस्ट और ये फियर फैक्टर और हमारे लोग, ये सब लोग थोड़ा 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 अपना अपना रोल प्ले करते हैं, कोई ज्यादा कोई थोड़ा। तो हां इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो डॉक्टर का है, क्योंकि डॉक्टर के पास डिग्री है, डॉक्टर पे लोग विश्वास करते हैं, उसके पास जाते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट करेगा। अब वो ट्रीटमेंट के नाम पे पेशेंट के साथ क्या कर रहा है इस बारे में पेशेंट को नहीं पता, कि पेशेंट को थोड़ी पता कि मेरे साथ डॉक्टर फ्रॉड कर रहा है। अब आप देखो, आप कभी देख लेना, क्योंकि मेरे को तो 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं और मैंने कभी किसी लैब से या किसी केमिस्ट से मैंने कभी कट नहीं मांगा। तो जब मेरे पास आते हैं लैब वाले आते हैं कई बार, वो बोलते हैं जी आप हमारे पास पेशेंट भेजो, हम आपको जो है वो स्कैनिंग सेंटर पे भेजोगे, स्कैन करवाएगा तो हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। तो मैं उनको हाथ जोड़ देता हूं, भाई मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अब मेरे को आगे कट की जरूरत है ही नहीं, और दूसरा मेरा काम चलता है। तो मतलब ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे बहुत। डॉक्टर इस बात को शेयर नहीं करते, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं, और मैं किसी से डरने की क्या जरूरत है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो सच्चाई है। तो क्या होगा कि डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सबसे पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड लिख के देगा, जिसकी शायद आपको जरूरत नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड जो है अगर डॉक्टर लिख के देगा तो उसका कॉस्ट होगी 800-900 रुपया, और अगर आप डायरेक्ट स्कैनिंग सेंटर में जाओगे करवाने के लिए तो उसकी कॉस्ट होगी 500 रुपया। अच्छा अब डॉक्टर यहां से 50-60% कमीशन ले रहा, अब वो टेस्ट करवा के वहां डॉक्टर के पास वापस गया पेशेंट, तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि यार इसमें तो कुछ आया ही नहीं, इसमें कुछ शक है मेरे को, तो आप ऐसा करो आप ना ये टेस्ट में लिख के दे रहा हूं, आप लैब में जाओ और ये टेस्ट करवा के लेके आओ। तो आप वो टेस्ट करवाने चले गए, टेस्ट करवा के ले आए। अब देखिए टेस्टों में क्या फंडा है कि एक बुक है डॉक्टर गाइटन की, एक फिजियोलॉजी बुक है, उसमें जब वो चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसमें एक लाइन लिखता है, वो लिखता है कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी इज अननोन, बट व्हाट वी हैव सीन इन द लेबोरेटरी और अंडर द माइक्रोस्कोप वी आर हेयर बाय एक्सप्लेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी बॉडी के अंदर रियली चल रहा है वो किसी को नहीं पता, कोई बंदा उसके बारे में पता नहीं चला सकता, लेकिन जो लेबोरेटरी में या लैब में जो टेस्ट किया जाता है वो टेंटेटिव होता है, उसका कोई खास मतलब होता नहीं, और अगर होता भी है तो टेस्टों पे कभी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमेशा जो साइंस सिम्टम्स होते हैं पेशेंट की, जो प्रॉब्लम होती है उसको देख के किया जाता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें टेस्ट पॉजिटिव था और प्रॉब्लम है ही नहीं उनको, तो उनको आप कैसे दवाई दे दोगे। मैंने ऐसे देखे हैं टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम है और थोड़े दिनों बाद पेशेंट डेथ भी हो गई। तो मतलब ये है कि देखो ह्यूमन बॉडी को समझना और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना किसी के बस का नहीं। तो मैं ये बात जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो चैनल्स पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, वो मैं इसको कुत्ता बखाई बोलता हूं कि हर बंदा लगा हुआ है चैनल पे जाके कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, कोई उसके फेवर में बोल रहा है। और भाई मेरी बात सुनो, आप पहले सारे इस फंडे को समझो, इस सारे नेक्सस को समझो, ये नेक्सस बहुत गहरा है और आज से नहीं, ना ये बुक जो है 1974 में आई थी, लेकिन नेक्सस तो इससे पहले स्टार्ट हो गया था और उसने बाद में ये बुक जो है छाप दी। लेकिन मेरे को पता है बचपन में ना तो कोई इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने देखे थे, ना कोई इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने देखी थी, ना कोई लैब देखी थी, तो मतलब यह है तब भी तो लोग जिंदा थे और ज्यादा बेटर थे। कभी मैंने सुना नहीं था कि किसी को शुगर हो गई, किसी को बीपी हाई हो गया, किसी को ये हो गया, थायराइड हो गया। अब तो हर बंदा जो है